नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे टुडे पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जनवरी 6 के। जो हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं। 6 जनवरी को जन्मे व्यक्ति। 6 जनवरी सन 1883 में सलीम जिब्रान, जो विश्व के श्रेष्ठ चिंतक महाकवि के रूप में ख्याति प्राप्त करने वाले महान दार्शनिक थे, उनका जन्म हुआ। 6 जनवरी सन 1910 में जीएन बालासुब्रमण्यम, जो भारतीय कर्नाटक संगीतकार थे, उनका जन्म हुआ। 6 जनवरी सन 1918 को भरत व्यास, जो बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार थे, उनका जन्म हुआ। 6 जनवरी सन 1928 में विजय तेंदुलकर, जो भारतीय नाटककार और रंगमंच कर्मी थे, उनका जन्म हुआ। 6 जनवरी सन 1932 में कमलेश्वर, जो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, उनका जन्म हुआ। 6 जनवरी सन 1940 में नरेंद्र कोहली, जो प्रसिद्ध लेखक थे, उनका जन्म हुआ। 6 जनवरी सन 1949 में बाना सिंह, जो परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के सूबेदार थे, उनका जन्म हुआ। 6 जनवरी सन 1959 में कपिल देव, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे, उनका जन्म हुआ। 6 जनवरी सन 1965 में जयराम ठाकुर, जो राजनीतिज्ञ एवं हिमाचल प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री थे, उनका जन्म हुआ। 6 जनवरी सन 1966 में ए.आर. रहमान, जो ऑस्कर विजेता भारतीय संगीतकार थे, उनका जन्म हुआ। अब हम आपके साथ चर्चा करेंगे 6 जनवरी के हुए निधनों के बारे में। 6 जनवरी सन 1316 में अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश के शासक सुल्तान थे, उनका निधन हुआ। 6 जनवरी सन 1847 में त्यागराज, जो प्रसिद्ध कवि तथा कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ थे, उनका निधन हुआ। 6 जनवरी सन 1952 में लुई ब्रेल, जो नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इसमें से एक प्रश्न और निकलता है, नेत्रहीनों के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? ब्रेल लिपि का। किसने रची थी ब्रेल लिपि? लुई ब्रेल ने। 6 जनवरी सन 1885 में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक, जिन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन जैसी पत्रिका निकाली तथा अंधेरी नगरी और भारत दुर्दशा आदि जैसे अनेक नाटक लिखे, उनका निधन हुआ। 6 जनवरी सन 1987 में जयदेव, जो भारतीय संगीतकार तथा बाल अभिनेता थे, उनका निधन हुआ। 6 जनवरी सन 2008 में प्रमोद करण सेठी, जो प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक थे, उनका निधन हुआ। 6 जनवरी सन 2009 में जीएम शाह, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हुआ। 6 जनवरी सन 2017 में ओम पुरी, जो हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे, उनका निधन हुआ। अब हम आपके साथ चर्चा करेंगे 6 जनवरी के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। 6 जनवरी को एक ही अवसर, एक ही उत्सव है, जो है गुरु गोकुलदास जन्मोत्सव। क्या है? गुरु गोकुलदास जन्मोत्सव मनाया जाता है। आपका दिन मंगलमय हो। आपको यह वीडियो कैसी लगी ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद, आपका मित्र।